हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि उस तरह के सेंटेंसेस जिसमें इन्फिनिटिव का यूज हो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें, यानी इस तरीके के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस के सभी काइंड पर मैं पैसिव फॉर्म बता चुका हूं, यानी चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी का पैसिव वॉइस मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में सिखा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे और आपको ये सारी बात पता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को भी समझें। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दें। ये बात मैं आपको पहले सिखा चुका हूं और अगर आप मेरे वीडियोस को रोज देखते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। बाद में लिखा हुआ है अ लेटर, आप उसको पहले लिखें, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है इसे आप बाद में लिखें। यहाँ आप एक बात याद रखेंगे, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो आप बाय के साथ लिखेंगे। आइए देखें अब बीच में क्या चेंजिंग है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प की जगह पर आप लिखेंगे हैज, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो हैव की जगह हैज का यूज करना है। ये बात मैंने आपको पार्ट 4 में अच्छा से सिखाया। अब फ्रेंड्स, आइए इस इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस करें, जो आज का मेरा टॉपिक भी है। तो यहाँ लिखा है टू राइट और आप इसका पैसिव ऐसे करें, आप लिखेंगे टू, उसके बाद आप लिखेंगे बी, उसके बाद आप राइट कर लिखेंगे थर्ड फॉर्म रिटन, और ये पैसिव में चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का अगर आप पैसिव करना चाहते हैं तो आप टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बड़े आसान तरीके से आप उसका पैसिव कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं और इसका पैसिव देखते हैं। She is to learn English. वह इंग्लिश सीखने वाली है। तो अगर आप इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करें। यहाँ लिखा है सी, तो अगर ये बाद में जाएगा तो आप इसे लिख देंगे हर। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाई के साथ लिखेंगे और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो बन जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद बीच में लिखा हुआ है इज टू लर्न, आप हेल्पिंग वर्ब इज लिखें। उसके बाद ये है आपका इन्फिनिटिव और इसे पैसिव में ऐसे चेंज करें, आप लिखें टू, उसके बाद बी के साथ थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, और आप इसे चेंज कर चुके हैं। कैसे चेंज हुआ? आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, जो बेसिक बात है और ये बात आपको पहले से पता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा था इसलिए आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा और उसके बाद आपने इन्फिनिटिव को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और ये बड़े आसानी से चेंज हुआ। आइए फ्रेंड्स, एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड, अगर लिखा हो ही वॉज टू सेल हिज हाउस, तो आइए देखें कि इसे पैसिव में कैसे चेंज करना है। आप सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट करें और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ ही और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे बाई हिम, और यहाँ लिखा हुआ हिज हाउस ये हो जाएगा सब्जेक्ट, आप लिखेंगे इसको शुरू में। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग ऑफ वॉज लिखी हुई है, आप लिखें वॉज। अब यहाँ पर एक इन्फिनिटिव है जिसे आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। आप लिखें टू, उसके बाद बी, उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म सोल्ड, और आपने इसे चेंज कर लिया। कैसे किया? ही वॉज टू सेल हिज हाउस, तो आपने लिखा हिज हाउस वॉज टू बी सोल्ड बाई हिम। कुछ जरूरी बातें जो आप याद रखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब देनी है, फिर जो आपका इन्फिनिटिव होगा उसे आप टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। अगर आप इतना कर सकते हैं तो उस तरह के सेंटेंस है जहां इन्फिनिटिव होता है आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, देखें कि इसे कैसे चेंज करना है। सब्जेक्ट को कर देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कर देंगे सब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ ही तो आप लिखेंगे बाद में बाई हिम, और ये है ऑब्जेक्ट तो आप इसे कर लेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा हुआ है, आप लिखें हैड। उसके बाद ये लिखा हुआ है इन्फिनिटिव, तो आप इसे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। जैसे आप लिखेंगे टू बी थर्ड फॉर्म यानी आस्क्ड, ही हैड टू आस्क क्वेश्चंस यानी उसे सवाल पूछना पड़ा, तो इसका पैसिव वॉइस होगा क्वेश्चन हैड टू बी आस्क्ड बाय हिम।
फ्रेंड्स कई बार आप देयर वाले सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव का यूज देखते होंगे, तो आइए देखें फ्रेंड्स कि अगर आपके सेंटेंसेस देयर से हों और उनमें इन्फिनिटिव है तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं और आमतौर पर देयर वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होते, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस ऐसे करें। आप लिखेंगे देयर इज नथिंग, उसके बाद आप इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस करें टू बी ईटन, यानी आप टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देयर इज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा देयर इज नथिंग टू बी ईटन, यानी खाए जाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा अगला एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग टू थिंक, सोचने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इसका पैसिव ऐसे करेंगे There is nothing to be thought, यानी to think के जगह पर to be plus third form का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस कंसेप्ट को आपने शानदार तरीके से समझा कि जिस सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज हो उसे आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। फ्रेंड्स कल शाम 8 बजे मैं पैसिव वॉइस के बारे में एक खास बात बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो कल शाम 8 बजे वो वीडियो देखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।